माणिका माणिका लोकपालका दैन्यहारका सुरासुरवंद्या मां पाहि दयां कुरु विश्व प्रिय गुरु आद्या माणिका माणिका भगवान श्री दत्तात्रेय ने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तथा विविध धर्मों मतों संप्रदायों और पंथों में व्याप्त आंतरिक कलह और विद्वेष को दूर करने के लिए श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के रूप में अवतार धारण किया। श्री प्रभु ने अपने जीवन एवं कृतित्व के द्वारा विविध धर्मों मतों संप्रदायों और पंथों की तात्विक एकता को उजागर कर सकलमत तत्वज्ञान का सूत्रपात किया। श्री प्रभु का जन्म 1817 की दत्त जयंती के दिन लाडवंती नामक ग्राम में हुआ। जन्म से ही एक अलौकिक अवतारी पुरुष के लक्षण उनमें विद्यमान थे। 13 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर घोर अरण्य में रहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक साधना पूर्ण की तथा संपूर्ण भारत की अकेले पैदल यात्रा की। सन 1845 में प्रभु महाराज हुमनाबाद नगर के समीप स्थित अरण्य में आए तथा इसी अरण्य को उन्होंने अपने अवतार कार्य के लिए चुना। आगे चलकर यही अरण्य माणिक नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री प्रभु ने अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से अनेकों को व्याधि मुक्त किया, अनेकों को संतति प्रदान की, अनेक दरिद्रों को धन संपत्ति से अनुग्रहित किया और सहस्रावधि भक्तों की आध्यात्मिक आधिदैविक और आदि भौतिक पीड़ाओं का निरसन कर उनके अहिक उत्कर्ष और पारलौकिक निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी समकालीन आध्यात्मिक विभूतियों से श्री प्रभु का प्रगाढ़ स्नेह था। शिरडी के श्री साई बाबा, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ, गोंदवले के श्री ब्रह्मचैतन्य, कोल्हापुर के श्री कृष्ण सरस्वती तथा पुणे के श्री जंगली महाराज आदि अनेक विभूतियों ने स्वयं माणिक नगर आकर श्री प्रभु से आध्यात्मिक परामर्श किया था। अपनी आयु के 47वें वर्ष ईस्वी सन 1865 में इसी स्थान पर प्रभु महाराज ने जीवंत समाधि ली। प्रभु की यह संजीवनी समाधि लक्षावधि भक्तजनों की श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। विश्व के कोने कोने से लक्षावधि भक्तजन इस समाधि के सामने नतमस्तक होकर दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। प्रभु के पश्चात उनके समर्थ उत्तराधिकारियों की दिव्य परंपरा ने श्री प्रभु संस्थान की तथा प्रभु के संप्रदाय की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की है। बाल योगी श्री मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने प्रभु समाधि पर भव्य देवालय का निर्माण करवाकर 19 वर्ष की कोमल आयु में जीवंत समाधि ली। राजयोगी श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने अपने तपोबल से संस्थान के वैभव को शिखर पर पहुँचाया और कर्मयोगी श्री शंकर माणिक प्रभु महाराज ने अहोरात्र परिश्रम कर श्री संस्थान के गौरव की अभिवृद्धि की। प्रभु दर्शनार्थ आए सहस्रों भक्तजनों के भोजन की व्यवस्था नित्यान्नदान सेवा के अंतर्गत श्री संस्थान द्वारा की जाती है। माणिक नगर में प्रभु की आदिशक्ति भगवती मधुमती श्यामला का देवालय, श्री कालाग्निरुद्र हनुमान का मंदिर, गुरुगंगा और विरजा नामक नदियों का पवित्र संगम क्षेत्र तथा प्रभु द्वारा स्थापित महबूब सुभाने की पावन दरगाह आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तेज गुण अमुप मनोहर रूप दावी भक्तासी दावी भक्तासी। श्री संस्थान के विद्यमान पीठाधिपति श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज के कुशल नेतृत्व में माणिक नगर में एक अद्भुत शैक्षणिक क्रांति और सामाजिक अभ्युत्थान का कार्य प्रारंभ हुआ है। श्री जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर श्री प्रभु संस्थान के कीर्ति सौरभ का आसेतु हिमाचल प्रसार किया है। वैदिक अध्ययन अध्यापन की परंपरा को पुनरुज्जीवित करने के उद्देश्य से श्री संस्थान ने श्री माणिक प्रभु वेद एवं संस्कृत पाठशाला की स्थापना की है। आज इस वेद पाठशाला में 100 से अधिक विद्यार्थी गुरुकुल पद्धति से वेदों की शिक्षा ले रहे हैं। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के आवास, भोजन, वस्त्र इत्यादि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति
श्री संस्थान द्वारा निःशुल्क रूप से की जाती है। श्री माणिक प्रभु संस्थान के तत्वावधान में शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा है। श्री माणिक प्रभु अंध पाठशाला की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई है। आज इस अंध पाठशाला में 60 पूर्णतः अंध विद्यार्थी ब्रेल शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन में रत हैं। विद्यार्थियों को मोमबत्ती बनाना, चटाई बुनना, चौकपीस बनाना आदि अनेक उपजीविका के साधन भी सिखलाए जाते हैं। विद्यार्थियों के भोजन, आवास इत्यादि की व्यवस्था श्री संस्थान द्वारा निःशुल्क रूप से की जाती है। श्री संस्थान के शैक्षणिक प्रकल्पों में माणिक पब्लिक स्कूल का विशिष्ट महत्व है। यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शिक्षा के सभी साधन उपलब्ध हैं। विशाल भवन, सुसज्जित छात्रावास, खेलकूद के मैदान, स्विमिंग पूल, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय इत्यादि सभी संसाधनों से युक्त यह विद्यालय प्रभु संस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है। योग्य और अनुभवी अध्यापकों के मार्गदर्शन में लगभग 300 विद्यार्थी यहां अपने उज्जवल भविष्य की रूपरेखा निर्धारित कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य में राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव की रक्षा करने वाली सबसे पुरानी संस्था श्री माणिक प्रभु हिंदी विद्यालय है। श्री संस्थान द्वारा श्री माणिक प्रभु अनाथालय के माध्यम से 125 अनाथ एवं निस्सहाय विद्यार्थियों के सर्वांगीण पालन पोषण एवं शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। श्री माणिक समाज आधारित अपंग पुनर्वसन योजना के अंतर्गत अपंगों के पुनर्वसन का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। माणिक नगर में श्री माणिक प्रभु हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी प्रगति पथ पर अग्रसर है। हर माणिक हरे